जाई में आप गंध देख सकते हैं यार, दूर दूर तक देखोगे बस गंध दिखेगा, लोग आते हैं और अपना गंध फेंक के चले जाते हैं। भाई अपना गंध अपने साथ ले जाओ, नहीं जरूरत है जाई को आपके गंध की। कहीं भी देखो दूर दूर तक सिर्फ गंद ही दिखेगा, डस्टबिन प्रोवाइडेड है लेकिन डस्टबिन में कोई गंद नहीं फेंकता है। हमारे सुंदर भद्रवा को खराब करने आ रहे हो यार तुम लोग, ये तो गलत है। अगर हम आप लोगों का वेलकम कर रहे हैं और आप हमारी जगह को खराब कर रहे हो तो बहुत गलत है भाई। डस्टबिन दिया यार, डस्टबिन में इस्तेमाल करो यार डस्टबिन को, क्या यार इतनी सुंदर जगह। कहीं भी दूर दूर तक कहीं भी देख लो, शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा पर दूर दूर तक कहीं भी देख लो सिर्फ गंद दिखेगा। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी ये वादा, ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, आशा की। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि किसी ने जाई का वीडियो भेजा था जिसमें गंदगी मचाई और उसने भी मैसेज दिया सबको कि आप जितने भी लोग हैं प्लीज़ गंद ना मचाएं, वैसे ही आपने उसके बाद भी स्लाइड्स चलते हुए देखी होंगी जिसमें लोग मैसेज दे रहे हैं कि आप सफाई रखिए, जहाँ भी आप जाते हैं सफाई रखिए। और आपने लड़कों को भी देखा होगा कि वो गंदगी साफ़ कर रहे हैं पर्यटक स्थल पर। जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में अभी पर्यटक के आने का सीज़न होता है और लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम ये गर्मियों की छुट्टियां यहाँ पे ही बिताते हैं। जो भी छुट्टियों का प्लान करते हैं वो जम्मू कश्मीर में। अगर स्थानीय निवासियों का भी देखा जाए और अगर बाहर के लोगों का भी देखा जाए, बाहर की स्टेट्स का, वो भी जम्मू में आते हैं, जम्मू में घूमते हैं। जम्मू में पटनीटॉप हो गया, भद्रवाह हो गया, श्रीनगर हो गया, रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, अखनूर हो गया और डिफरेंट डिफरेंट जगह जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं लोग जाते हैं। लेकिन लोग कहीं ना कहीं एक गलती ज़रूर करते हैं, जब भी वो किसी स्थान पे जाते हैं आप देखते हैं कि वहाँ पे गंदगी ज़्यादा मचती है। और जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम हमारी स्टेट जो है वो अंडर LG के रूल चल रही है और जहाँ LG के रूल के अंदर चल रही है गवर्नमेंट इतनी एप्लीकेबल नहीं है हर जगह और हर जगह इस तरह से काम नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए। और बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे पोस्ट खाली है, जहाँ पे म्यूनसिपलिटी की बात की जाए म्यूनसिपलिटी की पोस्ट खाली हैं, अगर DDC काउंसिल्स की बात की जाए तो DDCs को उतनी पावर्स तो हैं लेकिन जब वो प्रैक्टिस करने जाते हो तो उनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का वो साथ नहीं मिलता। तो मैं लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि लोगों को 4 hours कभी नहीं भूलने चाहिए। सबसे पहले तो रिफ्यूज़, सबसे पहले मना करना सीखो पॉलीथीन बैग्स के लिए, प्लास्टिक के लिए, जो चीज़ नेचर को ख़राब करती है। उसके बाद रिड्यूज़, कम से कम गंदगी फैलाएं। उसके बाद रीयूज़ में क्या कि आपके पास जो चीज़ें पड़ी हैं उसको आप बार बार यूटिलाइज में लाएं और उसको इस्तेमाल करके जब तक उसकी जो वैल्यू है बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए तब तक उसको यूटिलाइज में लाएं। और लास्ट है रिसाइकल, जब सब कुछ आपके पास कचरे के फॉर्म में आ जाता है तो इसको रिसाइकल करके फिर से उसके बाद नेचर में छोड़ा जाए। उससे क्या होता है कि नेचर को जो नुकसान है वो कम से कम होता है। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या बर्न एंड स्लैश मेथड चलता है, कहीं भी लोग होते हैं वो कचरा इकट्ठा करते हैं जला देते हैं। उससे क्या होता है कि जो गैसेस निकलती है प्लास्टिक वगैरह के साथ मिश्रण करके, वो ऐसी गैसेस होती हैं कि जो एक तो विजिबल नहीं है, दूसरा आपके एटमॉस्फेयर में वो एंटर कर देती है, तीसरा वो आपके नर्वस सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट करती है जिसकी वजह से लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं। अब अगर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी गई थी फैसिलिटीज़, पहले लोगों ने ज़मीन के अंदर ही डिस्पोजेबल बनाए हुए थे, डिस्पोजेबल पिट्स बनाए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वहाँ पे भी सिटी की तरह नालियों का ड्रेनेज वाला सिस्टम आ गया है और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गंदगी ज़्यादा फैल रही है। दूसरा क्या है कि डस्टबिन हर जगह अवेलेबल नहीं है जिस वजह से क्या होता है लोग कहीं भी कचरा डाल देते हैं। लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जहाँ जहाँ कचरे के डब्बे उनको दिख रहे हैं, बिन्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, वहीं आके कचरा डिस्पोज करें, क्योंकि जो हिंदुस्तान में कचरा वो 70% लिक्विड फॉर्म में होता है जबकि अगर बात करें बाहर की वहाँ पे सॉलिड कचरा ज़्यादा होता है। अगर हमारा जो बेसिक कचरा देखा जाए जहाँ सब्जियाँ वगैरह, इन सबको डंप करने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ डेयरी में भी इस्तेमाल में आ जाते हैं, कुछ पोल्ट्री में इस्तेमाल में आ जाते हैं और कुछ की बात करें तो वो स्वाइन्स भी उसको यूटिलाइज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं।
तो हमें कोई ना कोई मिक्स मेथड ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिससे कम से कम गंदगी मचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कि लोग उससे खाद बने, उसे ऐसी खाद बने जो बाद में हम वापस खेतों में भी इस्तेमाल करें, जिससे क्या होता है कि क्वालिटी अनाज की भी अच्छी हो। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा लोगों से कि 4 आवर्स को हमेशा दिमाग में अपने रखें, अपने जहन में रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर गंदगी फैल रही है उसके लिए लोग, जितना हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं उतने ही रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं, और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम पर्यटक स्थल्स को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, किस तरह से हम इन जगहों को सेव कर सकते हैं। और अगर उनको सेव करने की बात की जाए तो लोगों को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे गुट बनाने चाहिए। जब भी आप किसी पर्यटक स्थल में जा रहे हैं तो अपने गुट बना के ज़्यादा से ज़्यादा सफाई अभियान चलाएं, ताकि जब ये छोटे छोटे सफाई अभियान चलते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक होते हैं, और जब लोग जागरूक होते हैं तो कहीं ना कहीं एक मास एजिटेशन उभर के सामने आता है जो काम करता है। और जब मास पीपल, जिनको बोलते हैं कि मास ऑफ पीपल इकट्ठे काम करते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि लोग जो भी अगर पोस्ट कर रहे हैं, तो मेरा नंबर नीचे स्लाइड पे चल रहा है, आप मेरे नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते एक क्लीनिनेस पे वीडियो जम्मू टीवी पे डालता रहूंगा, और भी जो चैनल्स मेरे साथ संपर्क में उनमें डालता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।